लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आम आदमी पार्टी की कमान भगवंत मान संभालेंगे। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को आयोजित हो रहे ताजपोशी समारोह में एक बार फिर भगवंत मान आम आदमी पार्टी के संयोजक का पद संभालेंगे। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का मंगलवार को निधन हो गया। वे 88 साल के थे। जॉर्ज फर्नांडिस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय मंत्री रहे हैं और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में मंगलवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस लगातार राफेल डील को लेकर केंद्र सरकार पर आक्रामक रही है और राफेल डील के वक्त मनोहर पर्रिकर ही रक्षा मंत्री थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए विपक्ष ने कहा है कि नागपुर के राजनेता की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। गडकरी ने कहा था कि जो राजनेता वादों को पूरा नहीं करते जनता उन्हें नकार देती है। विपक्ष ने कहा कि ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला है। गुना सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर पूर्व दक्षिण और उपनगर क्षेत्र में धन्यवाद सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि जनता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब मेरी बारी है। इस दौरान सिंधिया राम मंदिर मुद्दे पर भी बोलने से बचते हुए नजर आए। उज्जैन के पास भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के नागदा रोड पर दो कारों में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सीएम कमलनाथ ने इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश का सरकारी खजाना पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। किसानों की कर्ज माफी के बाद सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा है। ऐसे में सीएम कमलनाथ ने आर्थिक संकट की स्थिति से निपटने के लिए वन ऑफिसर बनकार का फॉर्मूला निकाला है। अयोध्या विवाद पर केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मोदी सरकार ने कहा है कि 67 एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहण की थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को निडर और सरल स्वभाव वाला नेता बताया है। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस के नेता जब नवजोत सिंह सिद्धू, एक्टर आमिर खान और नसरुद्दीन शाह की तुलना राजा जयचंद और बंगाल के नवाब मीर जाफर से करते हुए कहा कि ये लोग देशद्रोही हैं।